सत्य समाना आगम निगम प्राण बताना। सत्य से बढ़कर कोई दाम नहीं होता। हमारे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्रों में, असत्याद प्रास धर्मो अर्थात नहीं असत्य संपातक कुंजा। असत्य से बढ़कर बड़ा कोई धर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। यही भगवत प्रेमियों जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। भागवत की कथा आज हम कलावा बांध कर सुनते हैं, मोली बांध कर सुनते हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन ही तो श्रीमद् भागवत में है। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही गई है, धर्म प्रजोत के सताम वास्तु मात्र वास्तु शिविर श्रीमद भागवते महामुनिनिकृते किंवापरीश्वरा सदोहृदरुदितिस्त्र पूरे कृष्ण कन्हैया। भागवत में परम धाम का निरूपण किया गया है सज्जनों। अरे भाई ये परम धाम आखिर है क्या? ऐसा दिमाग में तो कभी ना कभी आता है ना। तो कहते हैं परम धाम है कृष्ण कथा, जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी हैं, जिसको उन्हें फ्लैट चाहिए। क्या करते हैं हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हुए? सबसे पहले कहते हैं ठाकुर की दो मंजिल की एक कोठी खड़ी करवा दे, दो के चार किला करवा दे। तो भागवत प्रेमियों, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धाम है, वह कृष्ण कथा है। उस कृष्ण कथा का वर्णन श्री भागवत में किया गया है। वह कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिव कल्याण दराती इति शिवदम कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्रयोनो मूलम। कल आपने सुना कथा मात्र में कि कृष्ण कथा भागवत कथा तीनों प्रकार के तापों को खत्म करती है। किस किस ने सुना? कल आपने सुना आदि दैविक और मानसिक तीनों प्रकार के तापों को खत्म करती है भागवत कथा। सत्संग, ठाकुर जी का नाम, राम का हो या कृष्ण का हो, अलग विषय। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय नहीं मिले, आप जीवन में भागवत पाठ का संकल्प कर लें। ब्राह्मण पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतना समय नहीं है, तो केवल भागवत का अध्ययन करें। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बढ़वा गए। अब भागवत प्रेमियों, एक दूसरा सवाल उठ खड़ा होता है कि भागवत पुराण में आखिर है तो वेदों का ही सार, फिर भागवत पुराण और वेदों से श्रेष्ठ कैसे हुई? क्योंकि भागवत पुराण में है क्या? कृष्ण लीला, राम कथा, शिव महापुराण और गीता। तो आखिर इन सभी से ये श्रेष्ठ कैसे हुई? अब भागवत प्रेमियों एक चीज समझें, जो भागवत कथा है वह एक फल की तरह है, और फल किस पर लगता है? वृक्ष के ऊपर। लेकिन इसका जो फल है उसके अंदर कोई गुठली नहीं है। पूरी कृष्ण कन्हैया लाल। अब भागवत प्रेमियों एक चीज बताओ, आपकी इच्छा हो आम खाने की तो आप आम खाओगे या पेड़ को खाओगे? आम खाओगे ना, तो वह
सार एक रस है जो कि सभी ग्रंथों का वेदों का एक निचोड़ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जो मीठा फल होता है ना, एक चीज मानो, जो आम है वो बिल्कुल मीठा होता है, होता है नहीं होता, पर तो कोई खट्टा भी होता, लेकिन जो भागवत महापुराण है ये एक ऐसा फल है इसमें कोई खट्टापन नहीं है, क्योंकि बचपन की कुछ यादें हैं, आप सभी बुजुर्ग हैं, सभी को मालूम है, कहते थे कि जिस पे तोता की चोंच लग जाए वो फल मीठा होता, होता है नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया, और इसमें तो अमृत है, इस फल में अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, और गुठली तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। इस भागवत रूपी रस को पीना चाहिए, बार बार पियो। अब सवाल आता है कब तक पिए, अभी तो अग्रवाल धर्मशाला में हुई, थोड़े समय पहले चिंतनाथ मंदिर पे हुई, तो ये तो रोज होती रही, बामन में खाने कमाने के धंधे और फराक में, ऐसा ही नहीं है। जब तक पियो जब तक अंदर घट में ना पहुंच जाए। एक छोटी सी कथा है, एक स्वर्ण का हाथ है, उन स्वर्ण का हाथ ने एक बड़ी सुंदर मेरे प्रभु गोविंद की एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को ले जाकर बीच बाजार में जो चौराहा था उस जगह पर रख दिया, और उसी के जैसी एक मूर्ति और भी बनाई, दोनों मूर्तियों को चौराहे पर ले जाकर रख दिया। अब जो भी उन मूर्तियों को लेने के लिए आए और उस स्वर्णकार से उसकी कीमत पूछे, तो स्वर्णकार कहे कि भैया इसमें एक मूर्ति तो है 500 रुपए की, और दूसरी मूर्ति की क्या कीमत है? तो स्वर्णकार कहे दूसरी मूर्ति की कीमत मैं जब बताऊंगा, पहले ये पहचान लो इसमें से असली कौन सी और नकली कौन सी। अब तो कोई भी सभी राह चलते हुए आए, मूर्ति देखें, लेने का मन करे, गोविंद की मूर्ति बड़ी सुंदर थी, लेकिन स्वर्णकार ये कहते जब तक इसमें से असली और नकली मूर्ति का तुम भेद नहीं निकाल पाओगे जब तक मैं मूर्ति नहीं दूंगा, तो सब अपना मन मार कर वापिस चले जाए। उसी समय उधर से एक संजी महाराज निकले, उन्होंने स्वर्णकार को पहचान लिया कि यह तो वही स्वर्णकार है जो कथा में जाता है, जिसकी ठाकुर जी के प्रति भावना होती है, श्रद्धा होती है, भागवत प्रेमियों वह व्यक्ति भीड़ में भी अलग ही पहचान में आता है। उसने उस स्वर्णकार को पहचान लिया और उसके पास जाकर पहुंचा कि इसमें से एक मूर्ति मुझे दे दे। तो स्वर्णकार ने कहा कि मूर्ति जब दूंगा पहले ये बताओ इसमें से असली कौन सी और नकली कौन सी। और स्वर्णकार ने साथ में एक बात और भी कही कि ये गोविंद की जो मूर्ति है ये भी 5.25 किलो अष्ट धातु की बनी हुई है, और ये जो दूसरी मूर्ति रखी हुई है ये है भी 5.25 किलो अष्ट धातु की ही बनी हुई है। तो संत महाराज ने कहा भैया पहले एक सूतली ला कर दे। एक सूतली मंगाई, उसे थोड़ा सा पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद में पहले एक मूर्ति के कान में डाली, फिर दूसरी मूर्ति के कान में डाली। जब दूसरी मूर्ति के कान में सूतली डाली तो मुख से होती हुई सीधी हृदय अंतर मन तक पहुंच गई। तो भागवत प्रेमियों वैसे ही हमारे भी कथा कानों से होती हुई सीधे अंदर तक जब तक ना पहुंचे जब तक उस कथा का कोई लाभ नहीं। इसलिए हरि का स्मरण जब भी हम करें तो मन से करना चाहिए, हरि का नाम लेते समय कभी भी हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अपना कीमती समय भी निकालते हैं, कथा में भी जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, कीर्तनों में भी जाते हैं,
फिर कहते हैं ठाकुर जी ने तो मेरे बेड़ा पार ही ना करो। ठाकुर जी तो बेड़ा पार अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ऐसे भगत तो बनो जैसे कि अभी आपने सुना कि सूतली कान से होती हुई हृदय तक पहुंची, वैसे ही जब कहीं भी कथा सत्संग कीर्तन में जाकर बैठो तो इतने ध्यान और लगन श्रद्धा से सुनो कि जो भी कहा जाए वो सीधा कानों से होता हुआ हृदय तक पहुंचे। और वैसे भी भागवत में बार बार लिखा हुआ है कि ठीक है परिवार को चलाना एक धर्म हो सकता है, अपना जो भी जो व्यापार करे वह भी एक धर्म ही है, सभी से मिलजुल के रहना यह भी एक धर्म है। लेकिन हमारा जो सच्चा धर्म है वह तो केवल श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए, यही हमारा असली धर्म है। कुले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।